दर दर भटक रहा पीड़ित परिवार। जी हाँ, खबर है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से, जहां पीड़ित राजेश खरे का आरोप है कि पुलिस इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ। पुलिस का कर्तव्य है कि हर पीड़ित को इंसाफ दिलवा सकूं, न्याय दिलाकर कुछ हद तक उसका दुख दूर कर सकूं, क्योंकि पुलिस की खाकी वर्दी का न केवल एक सम्मान है बल्कि जनता का भरोसा भी है। खबर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हनुमानगढ़ थाने की, जहां पर पीड़ित पिता अपने बेटे के न्याय के लिए दर दर भटक रहा। 4 माह से बेटा लापता है, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता परिवार के पुलिस के अलावा अधिकारियों से भी शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित पिता राजेश खरे का आरोप है कि पुलिस ने जब थाने में लड़कों को बुलाया और उनसे पूछताछ की, तो पूछताछ में उन लोगों ने कबूला कि मैं 4-5 थप्पड़ मारा और उसके बाद सिद्धार्थ खरे को मैं अपनी गाड़ी पर बैठा कर मैंने कैची छोला पर छोड़ दिया था। उस पर थाना प्रभारी हनुमानगंज ने कोई कार्रवाई नहीं की और पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया। देखिए भोपाल से शशिकांत की रिपोर्ट। राजेश खरे जी, बताइए क्या समस्या? लड़का 10वें महीने में 23 तारीख से जान से मारने की धमकी आई, पर उसके बाद में मेरे कहने रात में 11 बजे फोन आया, तो मैंने लड़के के लाने समझाया, मेरे बेटा लड़ो मत, अपन सवेरे कंप्लेंट डाल देंगे। उसके बाद में 24 तारीख 6:10 पर फोन आया, मेरे कहने छोटे वाले ड्यूटी पहुंचा दी। फिर उसके बाद में मोबाइल बंद और लड़का गोल। फिर उसके बाद में हमने जानकारी ली वहाँ थानिया के सामने पूछ ले जानकर, तो उसे अनिकेत मोहित विशाल संजय राजन पर याद इन लोगों ने मार के राजा मारी उठल पर मौत दिलाया। क्या नाम था लड़के का? क्या नाम था आपके? सिद्धार्थ खरे जी। कितने बजे की बात आते हैं? जी 7:30 बजे। 7:30 बजे आपको फोन आया था शाम के? सवेरे आया था। सवेरे मॉर्निंग? हाँ जी, सवेरे फोन आया। उसके बाद में लड़का बोल, फिर हमने वहाँ जानकारी ली, उसे मारा, मार के होटल पर मौत दिलाया। किसने किसने मारा? अनिकेत मोई राजन पर याद विशाल संजय। ये कहाँ रहते हैं? श्रीनगर याद शादी के पास। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में सर मैंने रिपोर्ट डालने गया, तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं लेकर फिर कहाँ पे हुआ? कौन से एरिया में? किस थाने के अंदर? जानुमान थाने के एरिया में हुआ। फिर उसके बाद में मैंने रिपोर्ट लिखवाने गया, तो रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। फिर चार किस थाने में रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे? हनुमान थाने में। पर उसके बाद हनुमानगढ़ थाने गए थे आप जी? तो क्यों नहीं लिख रहे थे? जो पता नहीं सर, वो हंस रहे थे, हम लोगों ने देख देखा। पर उसके बाद फिर मैं कौन हंस रहा था? टीआई साहब जो पूरे पुलिस में है, वे सब लोग हंस रहे थे। फिर उसके बाद में 4 बार मेरे लड़के ने अपना फोन लगा, पर उसके बाद उन्होंने गुमशुदा की रिपोर्ट डाली। उसके बाद में फिर मैंने महीना होगा, 2 महीने मेरे बच्चे ने हाथ पैर पढ़े, मैंने पढ़े, मेरे बच्चे ने मतलब अच्छी तरीके से रोए वहाँ, मर टीआई भी कोई गेम नहीं आया, पर कोई कार्रवाई नहीं करी उसने। ऊपर आपने ऊपर नहीं कहा? ऊपर जो अधिकारी करने लगा, इतने पुलिस में है सबसे बड़े बड़े अधिकारी करे, उनने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। मंत्री करने भी उगाया, वहाँ से भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं। एसपी सर के पास कंप्लेंट किया? सबके आवेदन दे दीजिए सर, मैं सबके पास गया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ भी कार्रवाई नहीं। कितना टाइम हुआ समझ में? 4 महीने हो गए सर। 4 महीने मतलब उसके बाद मतलब कोई कार्रवाई नहीं अभी तक की? कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं, कुछ कर भी नहीं रहा पुलिस वाले।